अपने पहले ये पुरानी बोर्डी लगी हुई थी, इसके ऊपर जो साइड में ये कटिंग की हुई थी, ये सारी अभी मैंने इसको साइड में जितनी भी थी उनको सभी को काट दिया है। और काटने के बाद में एक ही टहनी रखी है, इस टहनी के अंदर अपने को इसकी आँख देखनी, ये सारी आँखें, ये दो कांटे हैं, इन कांटों के बीच में आँख, वो आपको बताऊंगा मैं कि किस प्रकार अलग करते हैं और वहाँ पर कैसे इसकी कलम की जाती है। अपन ये जो कांटे लगे हुए हैं इन कांटों के बीच में से एक कांटे को हटाएं। अब देखो यहाँ पर मैं इसको एक प्लेट और एक कटर है, कटर से हमने ये जो कांटे हैं, दो कांटे हैं, दो कांटों के बीच जो चीज़ होती है उसको इस पौधे की आँख कहते हैं। यहाँ पर जो भी टहनियाँ फूटती है, जो यहाँ से ये फूटी है तो यहाँ से ये अलग अलग टहनियाँ इसी जगह से फूटती है, तो हमें उस स्थान को ही काटना है और वहाँ से अपने को नया पौधा लगेगा। तो हम सबसे पहले ये आप देख ये अपने को जा रहे एक ब्लेड होनी चाहिए, एक कटर होना चाहिए, कटर से हमने ये टहनियाँ काट दी है पूरा और एक टहनी रखी है। उसके बाद में हमें एक छोटी सी और चीज़ चाहिए, ऐसे धागे चाहिए, ये धागे जो इसके ऊपर लपेटने के काम आएंगे और हम देखते हैं कि किस प्रकार ये अपन कलम करते हैं। ये जो भाग है, ये जो भाग है इसको हम यहाँ से कटिंग करते हैं, ये यहाँ से इसको ब्लेड से यहाँ से काट देते हैं और फिर यहाँ से ये मैंने यहाँ पर चीका लगाया है और यहाँ से और यहाँ से, तब इसको अपन इसको अलग करते हैं। अलग करने की विधि मैं आपको अभी बता देता हूँ कि इसको ऐसे अलग करना है कि इसके जो कांटा है वो एकदम अलग हो जाए, कांटा यानी इसके क्या कहते हैं इसको छाल, वो छाल अलग होनी चाहिए। ये मैं अलग करता हूँ, ये देखिए पूरी तरह से एक छाल है वो इसकी अलग हो गई है। अब इसको अपन सूखे नहीं इसलिए अभी वापस यहीं पर रख देते हैं और इसको आगे दूसरा काम करते हैं। यह आपने देख लिए कि इतना अपने को भाग चाहिए, इतना ही भाग हमें दूसरी जो नई बोर बड़े बोरों वाली बोरी है इसको अपने ऊपर लगाएंगे इसके ऊपर, ऐसा का ऐसा और इतना का इतना भाग हमें दूसरी जगह से काट के यहाँ लगाना है। ये जो उसके ऊपर है इसको भी काट के रखा है, ये सूखे नहीं वापस इसको जो कलम के लिए लाई है पहनी उसका कटिंग करके रखें। ये जो पहनी हम लाए हैं ये बड़े बोरों वाली है और ये जो यहाँ पर इनके अपने निशाने ये दिख रही है कि ये इसके पत्ते होते हैं छोटे छोटे होते हैं और इसके पत्ते आप देख रहे हो बहुत बड़े बड़े, तो ये इसकी पौधे की निशानी है। इसको अपन यहाँ पर इसके जहाँ पर ने काटा था वहाँ पर वैसी का वैसा भाग उतना का उतना अपने को इस जगह की आँख उठा के उस जगह रखनी। तो हम देख रहे हैं कि इसमें इसके लगभग ये टहनी का लगभग ऐसा भाग है, ये अपन यहाँ पर काट के लगाएंगे। अभी लगाते हैं इसको, काटते हैं इस टहनी और इस टहनी की नाप बराबर है, हम इसको यहाँ से इस कटर से यहाँ तक काट लेते हैं और ताकि अपने को आसानी रहे। ये भाग अलग कर दिया, इसको दो रखते हैं और थोड़ी सहूलियत के लिए अपन इसको थोड़ा सा ऊपर काट लेते हैं और ये भाग अपने को यहाँ चाहिए। अब इसको जिस प्रकार अपन ने उसकी आँख काटी थी उसी प्रकार इसकी भी अपन आँख काटेंगे और जितना वो भाग था उतना का उतने नाप का ये बनाना है अपने। अभी देखते हैं इसको अपन थोड़ा बड़ा काटेंगे क्योंकि तो अगर बड़ा पड़ गया तो लगेगी नहीं, थोड़ा बड़ा होगा तो अपने फायदा रहेगा और लगने में भी सावधानी रहेगी। कटिंग करके हम छोटा कर सकते हैं क्योंकि छोटे को बड़ा नहीं कर सकते, इसलिए अभी इसको थोड़ा सा ताकि बाद में तकलीफ नहीं हो। ये हम इसको
इसको धीरे धीरे काट रहे हैं। पास है बताऊँ सही है, और इसको वापस इसी भाग को इस तरीके से ये कट दिया है। अब इसको अपन वैसा का वैसा छिलका इसका भी उतारना है। ये हमने इसको कटिंग कर दी है और अपन इसको खोलेंगे। ये इसका भाग खुल चुका है और इसको अपन सावधानी से इसको काट के अलग कर लेते हैं। ये हो गया, इसको हटा देते हैं। अब इसको हमें इसके ऊपर सेट करना है जैसा था वैसा। चलो अब हम इस भाग को हटा देते हैं, ये सावधानी से हटाना है। ये खोल दिया हमने, अब बड़ी बारीकी से काम करना पड़ता है। ये हट गया है, इसकी आंख हट गई है और ये नई आंख अपने को मिली है। ये उस स्थान पर लगानी है जैसी थी वैसी। ये अपन हटा देते हैं, अब इस स्थान पर अपने को इसको लगाना है। कुछ नहीं करना है, बारिश की से इसको उतना का उतना भाग रखना है जितना पहले था, उसे ज़्यादा ना हो ना ही कम। ज़्यादा हो तो अपन उसको काट लेंगे और जहाँ पर आँख थी वहाँ पर इसको वापस रखना है। अब ये हो गया है, ये हमने दूसरी कलम ली है और ये पुरानी पेड़ था बोरडी का, इसके ऊपर अपन बेर का, और इसको अपन यहाँ पर इसके ऊपर सेट कर देंगे और इसको जहाँ पर थी वैसे के वैसे, जिस दिशा में थी वैसे के वैसे। और ये हो चुका है, जहाँ पहले आँख थी वहीं पर ये आँख आनी चाहिए। और ठीक है, अब ये अपना काम हो चुका है। इसको धागे से अपन बांधेंगे। अब ये धागा अपने विशेषकर यूज करते हैं, ये जो सीमेंट कट्टे आते हैं उस सीमेंट के कट्टों के ऊपर जो ये सीमेंट का जो बना होता है उसमें से कोई एक तार निकाल के वो अपन इसके ऊपर लगा सकते हैं। देखते हैं ये इस प्रकार से, ताकि ये इसलिए लगाते हैं ताकि इसकी एयर है वो निकलती रहे सही समय पर और ज़्यादा टाइट भी नहीं रहे, इसलिए इस पुटलु ये इस प्रकार से अपने को कार्य करते हुए आगे बढ़ना है। और इसको इस प्रकार से बांधना है, बांधते वक्त सावधानी इतनी रखनी है कि इसका आँख है जो वो अपने से दबे नहीं, नहीं तो ये फूटने में तकलीफ आएगी। हम इसकी आँख को एकदम खुला रखेंगे ताकि जो स्थान हो ये स्थान पर सही हो और दोबारा कोई तकलीफ नहीं हो। इस प्रकार हमें इस धागे को लपेटते रहना है और ये हमारा कलम हो जाएगा। असाधारण सी प्रक्रिया है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, परंतु थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। उन सावधानियों को अपन पालन करेंगे और हर कोई इसको कलम कर सकता है। अंत में